नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, और यहां पर जो डेयरी से रिलेटेड जो है क्या क्या सामान यहां पर उपलब्ध है, क्योंकि आप लोगों के लिए छोटी से छोटी जानकारी जो भी होता है आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो में हम डेयरी से रिलेटेड यहाँ पर कौन कौन सा सामान उपलब्ध है और उसका रेट अभी क्या चल रहा है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। और आपका प्यार और आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है, और आगे भी मैं चाहूँगा कि इसी तरह आप अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। तो चलिए, इस डेयरी इक्विपमेंट्स के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और मेरा नाम दीपक यादव है और मेरे दुकान का नाम है गंगा डेयरी इक्विपमेंट एंड सर्विस जी। ये कैंट रेलवे स्टेशन से मात्र 500 के डिस्टेंस पे है, और नियर अबाउट में संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी है जी, और उसके गेट नंबर 2 के सामने हमारी दुकान है जी। और यहाँ पे कस्टमर बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि कैंट रेलवे स्टेशन से मात्र 5 से 10 मिनट के रनिंग पे है, तो आराम से यहाँ पे कस्टमर पहुँच सकते हैं सर। तो आप ये सामान जो है कहाँ कहाँ तक सर उपलब्ध करा सकते हैं? सर हम वैसे ऑल यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जी। सर डेयरी के संबंधित हमारे पास सारे इक्विपमेंट हैं, जैसे मिल्किंग मशीन, क्रीम सेपरेटर, खोया मशीन, बीएमसी, काऊ मैट, एल्यूमिनियम कैन, प्लास्टिक कैन, गर्मी में हम लोग फॉगर भी लगाते हैं, इस समय फुहारा वारा भी लगा रहे हैं, बाकी उसके बाद वेंटिलेशन फैन भी है। काऊ मैट से शुरू करते हैं सर जी। मेरे पास सर करीब 6 से 7 तरह का काऊ मैट है, जो सबसे ज्यादा रबड़ में चलता है, इस पे 2 साल की गारंटी है। ये 2,850 रुपये का पड़ता है। ये एक का वेट 35 से 40 किलो है, 4 फीट चौड़ा है, 6.5 फीट लंबा है। और ये वाला सर? ये दोनों सेम है सर, ये का आपका ये वाला मॉडल है जो 4x6.5 में है, ये 25 से 30 किलो का है, ये 2600 रुपये का MRP है, इस पर 1 साल की गारंटी है। इसके ऊपर का सर जो टॉप है वो डायमंड है, नीचे डॉट है यानी बटन जैसा, ये से गाय या भैंस इससे स्लिप नहीं करते हैं सर। ये वही मैट है, सेम मैट है सर, ताकि जिसको 1 या 2 मैट चाहिए होता है तो आते हैं इस तरीके से रोल करके। मैट का मिनिमम रेंज जो है कहाँ से शुरू है? 1450 रुपये से स्टार्टिंग है सर जी। लास्ट सर करीब वो जाता है 3,3200। तो गारंटी किस रेंज के मैट में मिलता है सर? ये 2500 रुपये से स्टार्टिंग होता है, जो 2500 रुपये से स्टार्टिंग होता है उस पर गारंटी है। यदि मान लीजिए कि सर कोई गाजीपुर से है, आजमगढ़ से है, अगर 1-2 मैट लेना चाहेगा तो कैसे आप उसको? सर हम बाई ट्रांसपोर्ट, बाई बस, जो हमारी दुकान है वो बिल्कुल मेन रोड पे है, तो ये बगल में बस स्टैंड है कैंट रेलवे स्टेशन, और यहीं पे प्राइवेट बस भी है जी। तो ज़्यादा आसानी होती है तो बाई बस भी भेज देते हैं, नहीं तो बाई ट्रांसपोर्ट भेज देते हैं। 100 से 150 रुपये लगता है एक मैट का। और सेम डेट पेमेंट कैसे होगा सर? सर वो कस्टमर के ऊपर है, वो चाहे तो इंडिया मार्ट के थ्रू कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, या जैसे तो बहुत सारे लोग चाहेंगे कि हमारे पास सामान पहुंच जाए इसके बाद पेमेंट करें। सर उस तरीके के लिए हम लोग इंडिया मार्ट के थ्रू पेमेंट करवाते हैं, इंडिया मार्ट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग किसान जैसे हमारे बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं जी, तो दूरी की वजह से थोड़ा सा डरते हैं जी जी, जी बिल्कुल। सर पेमेंट पहले कर दिए फिर माल सही पहुंचे या ना पहुंचे, वही तो हम लोग इंडिया मार्ट की एक वेबसाइट है उसके जरिए पेमेंट करवाते हैं, ताकि कस्टमर हम पे भरोसा नहीं करते लेकिन इंडिया मार्ट पे भरोसा करते हैं, उसके जरिए ले लेते हैं। बाकी छोटा मोटा सामान होता है सर तो ट्रस्ट पे कहीं ना आसपास की डेयरियों से लिंक रहता ही है, तो वहाँ से हम लोग भेज देते हैं। कमल का प्लास्टिक कैन है, कितना लीटर? 40 लीटर का है जी। ये 1600 रुपये का है जी। ये बिमल का है, ये एल्यूमिनियम कैन है, और ये 40 लीटर का है, ये 50 लीटर का। दोनों का रेट सर? सर ये 40 लीटर का है 3400 रुपये का, और 50 लीटर का है सर 3600 रुपये का जी। और ये हम देख रहे हैं सर बोतल भी रखे रहते हैं क्या? ये सर 1 लीटर और आधे लीटर में सर, आधा लीटर का है जी, ये आधे लीटर का। ये दरअसल ये सब गोदाम पे है, दरअसल ये ऑफिस है और यहाँ पे सिर्फ बैठने की सुविधा है, तो इस वजह से सारा आइटम दुकान पे रहता है, सिर्फ यहाँ पे डेमो के लिए। यानी कि बोतल का भी अगर कोई डिमांड करता है तो बोतल है, बैग है, उसके बाद सारी चीजें मिल जाता है डेयरी के संबंधित। यानी कि डेयरी से संबंधित हर छोटी से छोटी सामान आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। सर आपके चैनल के थ्रू हम बताना चाहेंगे कि हम लोग करीब पिछले 6 साल से डेयरी इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं जी, और हम लोगों का मेन काम है डेयरी इक्विपमेंट का सर्विस करना जी। मशीनें तो हर कंपनी, बहुत सी कंपनी आती है बेच के चली जाती है, लेकिन कुछ सर्विस नहीं दे पाता है, तो हमारे 3 से 4 लोगों की टीम है जो स्पेशली हम लोग मिल्किंग मशीन, क्रीम सेपरेटर, खोया मशीन या बीएमसी का सर्विस के अकॉर्डिंग काम करते हैं।
और इस इसके बारे में बता, ये क्रीम सेपरेटर है, ये 60 लीटर का क्रीम सेपरेटर है, ये मैनुअल भी, बाकी सारे सब इलेक्ट्रिक भी हैं जी। तो ये एक घंटे में 60 लीटर दूध से क्रीम निकल पाएगा। तो एक क्या रेंज का पड़ेगा सर? ये सर 10,400 रुपए का है, कामधेनु कंपनी का। मेरे पास इसमें 8,500 रुपए तक का भी है जी। जी 8,500 रुपए से स्टार्टिंग है, उसमें आपका जितने कैपेसिटी बढ़ते जाएगा उस हिसाब से रेट बढ़ेगा। या तो इलेक्ट्रिक चलेगा या तो मैनुअल चलेगा। तो इलेक्ट्रिक वाला भी है? हाँ इलेक्ट्रिक भी है, 300 लीटर का है, 500 लीटर का है, 450 लीटर का भी है, 100, 165। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है को कौन सा लेना। सर बच्चों को दूध पिलाने के लिए, गाय के बच्चे को दूध पिलाने के लिए 2.5 लीटर का है। इससे जैसे कोई गाय का बच्चा अच्छा मर गया, या तो गाय मर जाती है या नहीं पिला रही है, इससे दूध गाय के पिलाने के लिए बच्चे को, ये गाय के थन में दवा लगाने के लिए डिप जी, जी। इसके साथ ये दवा आती है जो हम लोग मशीन के साथ भी देते हैं, बाकी ऐसे भी कस्टमर ले सकते हैं। तो क्या रेंज का ये पड़ता है सर? ये सर 150 रुपये का आता है। 150 रुपये का। और ये 300 रुपये का आता है। 300 रुपये का। और ये मथानी है सर? ये मथानी है सर, इसमें आपका 5 लीटर से लेके 60 लीटर तक का है, तो अलग अलग कैपेसिटी का है उसी हिसाब से। पनीर प्रेस करने की मशीन है जी। इसमें सर जैसे हम लोग पनीर वनीर बनाना होता है या इक्विपमेंट बनाना, वो प्रोडक्ट बनाना हो डेयरी से जी, तो इसमें आप अपना दूध बॉईल करके या जो फाड़ ओढ़ के इसमें लगाते हैं, तो उसको किसानों को थोड़ा सा दबाने उबाने में दिक्कत होती है, वो लगाना होता है। तो ये इसमें आप आराम से, स्टील का होता है, स्टील 304 है जी, लगा के इसको आसानी। क्या रेंज का ये पड़ता है? ये सर 7,500 रुपये से स्टार्ट। ये सर मिल्किंग मशीन है, फुल ऑटोमेटिक है, ये फूड ग्रेड की, इसमें पाइप लगी होती है, इसमें मस्टाइटिस इंडिकेटर भी लगा हुआ है जी। ये एक घंटे में 10 से 12 पशु का दूध निकालने के लिए ये मशीन पर्याप्त है। ये देखिए यहाँ पे ये सर मस्टाइटिस इंडिकेटर लगा हुआ है जी, और बहुत से कंपनी में यह नहीं लगा होता है। इससे क्या होता है कि किसी गाय को अगर मस्टाइटिस है या किसी गाय को जैसे मस्टाइटिस होता है तो दूध में मलाई टाइप का आती है, फुटका, तो ये यहाँ पे आके रुक जाता है, तो किसान आसानी से समझ सकता है कि हमारे किस गाय को मस्टाइटिस है। ये हर किसी मशीन में नहीं लगा होता है, स्पेशली वो अपने मशीन में लगा। तो ये सिंगल बुकेट है सर? हाँ ये सिंगल बुकेट है, इसमें डबल बकेट का भाई, इसकी तो सिंगल बुकेट का क्या रेंज है सर? सर ये 42,500 रुपए, ये 8.5 लीटर का है। इसमें हालांकि 25,000 की भी एक मशीन आती है जो अभी गोदाम पे है, ये दुकान पे नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास ये काउ वाटर बॉल है जी, जो गायों को पानी वाने पीने के लिए, ये 1500 रुपये का आता है, ये 2 लीटर का है। ये दो गायों के बीच में इस तरीके से लगा देते हैं, गाय इसमें आके आराम से 24 सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम है इसमें, ताजा और साफ सुथरा पानी। तो इसको फिट कराना होगा तो आपके पास? हमारे इलेक्ट्रिशियन भी जाते हैं, बाकी हम लोग भाई वीडियो भी भेज सकते हैं, जैसे दूर के कस्टमर होते हैं तो वीडियो से ही करवा लेते हैं, लोकल प्लम्बर को भी बुला के कर लेते हैं, और अगर 150 किलोमीटर के आसपास हैं तो हम अपना स्टाफ भेज के भी करवा लेते हैं। हैंड ब्रश है गाय को साफ वोफ करने के लिए या धोने में मसाज वसाज करने के लिए। तो क्या रेंज का ये सब है? सर ये 150 रुपये का है, ये 200 रुपये का है ये। उसके बाद हमारे पास डेयरी के संबंधित सारे इक्विपमेंट है सर, ये टैग एप्लीकेटर है गाय के कान में टैग वर्क लगाने के लिए। उसके बाद ये लीटर है जो दूध उध नापने के लिए, इसमें 1 लीटर का भी है, 0.5 लीटर का भी है, मैंने यानी कि हर सामान आपके पास डेयरी के संबंधित सारे चीज मिल जाएंगे। गाय भैंस के लिए मोहरी है, उसके बाद क्रीम सेपरेटर फावड़ा है, ये गोबर वगैरह हटाने के लिए स्टील का है, लोहे का है जी। उसके बाद इसमें प्लास्टिक तो का भी है। क्या रेंज का पड़ जाता है सर? सर ये 400 रुपए का आता है या 600 रुपए का आता है, ये स्टील का है, ये लोहे का है जी। और जो प्लास्टिक का होता है सर? प्लास्टिक का सर 150 रुपए का आता है। 150 रुपए का जी। ये लीटर पाइप होती है, ये फॉगर होता है, 250 रुपया पर पीस फॉगर है जी। और लीटर पाइप अपना सेट के ऊपर होता है कि कितना लग रहा है, वैसे 5 से 6 रुपया फीट पे आता है लीटर पाइप पूरा आप हाँ कंप्लीट करके। इसमें टाइमर आता है, इसका फिल्टर आता है, ये सब चीजें हम लोग देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 10 से 15 गाय को सेट करवाना होगा सर, तो लगभग 10 से 12,000 रुपए इंक्लूडिंग मोटर, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, सब कुछ करके हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या होता है सर कि सर्विसिंग का। लोग मेन काम है हमारा सर्विस का, हमारे फर्म का नाम भी है गंगा डेयरी इक्विपमेंट एंड सर्विस। तो हम लोग मिल्किंग मशीन या कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले सर्विस का विशेष ध्यान रखते हैं। और सर्विस यह नहीं कि हमारी कंपनी का मशीन लगा हो या हमारा भी कुछ काम हो, तभी किसी अन्य का भी लगा होता है तो भी हम लोग प्योरिटी रखते हैं सर्विस का ही जी। पिछले 6 साल से हम मार्केट में काम कर रहे हैं और कस्टमर का काफ़ी प्यार मिला है, काफ़ी अच्छा सर्विस कराया आप, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है सर। ये सब जो मैट है सर क्या रेंज का है? सर ये 1400 रुपए का है, कोई उसमें 1400 रुपए वाला यही है सर? हाँ 1400 का है, इसमें कोई 1850 का भी है, कोई 2000 का भी है, कोई 2500 का भी है। तो इसका डायमेंशन कितना? ये 8x5 का है। 8x5 का जी।
इसका तो गारंटी नहीं होगा? नहीं सर, इसका गारंटी नहीं है। ये 8x5 में आता है, इसका थिकनेस करीब 20-22 mm होता है, वेट 10-15 kg होता है। तो सही कौन सा रहता है सर? सर देखिए, कस्टमर दो तरह के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे उनको हैवी चाहिए होता है ताकि वो कमर्शियल यूज करे काफी दिन तक, तो उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं रबड़ वाला। और कुछ लोग होते हैं जिनके घर पे लेडीज होती हैं या बच्चे होते हैं, उनको उठाने उठाने में दिक्कत होती है, तो उनको साफ सफाई करने में दिक्कत, तो वो अपना ये ले जाते हैं कुछ दिन के लिए। जैसे किसी गाय को इसे बीमार उमार हो गई, ये थोड़ा सा हल्का होता है, स्पंजी होता है, तो ये इसमें थोड़ा ज्यादा आरामदायक होता है। ये थोड़ा रबड़ का है तो थोड़ा सा हार्ड होता है। और इसकी लाइफ लेकिन जबरदस्त है, ये 10-15 साल बिल्कुल आराम से चलता है। ये इंटरलॉकिंग मैट है, आपने वो सब देखे होंगे, तो विदाउट इंटरलॉकिंग है, लेकिन ये इंटरलॉकिंग है 4x7 में, 4 फीट चौड़ा 7 फीट लंबा है। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।